हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं द एक्टर स्पेस एंड एक्टिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल से। मैं हूं जहांगीर। और जैसा कि आपको मालूम है कि अपने इस सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं उन नए अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में जो एक्टिंग में अपना करियर देख रहे हैं और एक एक्टर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश देखना चाहते हैं। उन्हीं से जुड़े सवालों पर, उन्हीं से जुड़ी ही बातों पर हम लोग इस सेगमेंट में चर्चा करते हैं और विचार करते हैं। और आपको ये भी मालूम ही होगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो, कि हम लोग इसमें बात कर रहे हैं अभिनेता के डिक्शन उच्चारण को लेकर कि उनको क्या दिक्कतें पेश आती है और वो कैसे दूर होंगी। दोस्तों, आज यहाँ डिक्शन उच्चारण के साथ साथ हम लोग एक और विषय जोड़ रहे हैं, स्पीच एंड वॉइस, वॉइस एंड स्पीच को भी ऐड कर रहे हैं। डिक्शन उच्चारण के साथ साथ हम लोग इस सेगमेंट में बात करेंगे वॉइस एंड स्पीच के बारे में भी। आज हम लोग दोस्तों जो बात करेंगे उसमें कुछ खास अक्षर हैं जो नए अभिनेताओं को काफ़ी परेशान करते हैं। हम उनके उच्चारण के स्थान को देखेंगे, उनको कैसे उच्चारित करना है, कैसे बोलना है, उसका साउंड क्या है, उन साउंडों को कहाँ से ढूंढेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। विषय की तरफ हम लोग बढ़ें उससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप द एक्टर स्पेस एंड एक्टिंग स्कूल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के विषय की ओर। दोस्तों, एक अक्षर है जो नए अभिनेताओं को अक्सर परेशान करता है, वो अक्षर है तालाब्य शौ और दंत शौ। जी हाँ दोस्तों, यही दो अक्षर हैं जो अभिनेताओं को बहुत परेशान करते हैं, ख़ास तौर से नए अभिनेताओं को। इसके उच्चारण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक और शौ होता है, मूर्धन्य शौ, शौ उसके साउंड में थोड़ा सा अंतर है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में मूर्धन्य शौ का जो साउंड है वो अब गायब हो गया है, अब वो प्रयोग में नहीं आता। तो दोस्तों, फिलहाल दो ही शौ हमारे बीच बचे हैं जिसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे। पहला है तालाब्य शौ। तालाब्य शौ, जैसा कि सुनने से ये समझ में आता है कि तालाब्य मतलब तालू। तालू किसको कहते हैं? जो आपका सामने का जो दांत है उसके ठीक ऊपर के हिस्से को तालू मान लीजिए आप। आपकी जीभ वहाँ जाकर टकराती है तो वहाँ से जो साउंड निकलता है उसको बोलते हैं तालाब्य शौ। श, आप बोलेंगे श, देखेंगे आपकी जीभ ऊपर, दांत के ऊपर वाले दांत के पीछे वाले हिस्से में जाके सटेगी। श, श, इसको बोलते हैं तालाब्य श, 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 आपको इसका उच्चारण ऐसे करना है, तालाब्य श जो है श। और दंत श क्या है? आपके नीचे के दांत का जो आखिरी का हिस्सा है वहां पर जाकर आपका जीभ टच करता है। दंत स, 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 नीचे स, स, ये दांत का नीचे का हिस्सा स, स, दांत के ऊपर वो जाके प्रहार करता है स, दंत स, इसीलिए इसको दंत स बोलते हैं। तो तालाब्य श ऊपर तालू के पास से वो साउंड निकलता है और दंत स नीचे दांत के पास वो जीभ आकर टकराती है। इन दो श और स के उच्चारण के स्थान को आप समझ लेंगे तो आपको बोलने में बहुत आसानी होगी। इससे जुड़े हुए शब्दों का उच्चारण करना है, शहर सिहर, शाम सुबह, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको श और सौ की। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है और इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका भी है, आप उसे भी अपनाकर कुछ हद तक श और सौ के साउंड को अलग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हिंदी का शब्द है उसको आप अंग्रेज़ी में लिखें, जैसे शहर, शहर जब हम लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे अंग्रेज़ी में? एस एच ऐसा करके लिखेंगे। तो जो भी हिंदी का शब्द है अंग्रेज़ी में जब हम उसको लिखेंगे और उस सौ के जगह पर एस एच आता है तो उसका साउंड हो जाएगा तालाब्य शौ। एस एच जहाँ आएगा वहाँ शौ होगा, तालाब्य शौ, और जहाँ सिर्फ एस होगा वहाँ पर स, दंत स होगा। एस एच जहाँ होगा वहाँ श का साउंड होगा और जहाँ एस सिर्फ होगा वहाँ पर स का साउंड होगा। उससे भी एक और आसान तरीका है दोस्तों कि आप अपने शब्द को गूगल में जाकर, गूगल ट्रांसलेटर में जाकर हिंदी में लिखें,
वो सही हो जाएगा, गूगल ऑटोमेटिक भी उसको ठीक कर लेता है। और उसके पास में ही एक स्पीकर का बटन जैसा कुछ, स्पीकर जैसी आकृति आती है, आप उसको भी क्लिक करके उस साउंड को सुन सकते हैं, उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान देना है, तालाब्य स और दंत स, तालाब्य और दंत स का रियाज करना है आपको। आपको उससे जुड़े हुए शब्दों को जोड़ना है ताकि आप उसके उच्चारण को समझ सकें। आशा है दोस्तों कि आपको तालाब्य स और दंत स में अंतर समझ में आया होगा। ये बहुत ही बारीक काम है दोस्तों, और आगे आने वाले वीडियो में कुछ और अक्षरों को हम लोग लेंगे, उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसका अभ्यास करें, आपको अवश्य इसका फ़ायदा होगा। आपको अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है, आपको उस अक्षर के उत्पन्न होने वाले स्थान को पता लगाना होगा कि वो मुंह के किस हिस्से से निकल रहा है। शायद आप उसको पता लगा लें तो आप उस अक्षर के शब्द के उच्चारण को ठीक से कर पाएंगे। दोस्तों यही ट्रिक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी कुछ बहुत ही बेहतर वॉइस एंड स्पीच को लेकर, डिक्शन और उच्चारण को लेकर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। कैसा लग रहा है हमारा ये सेगमेंट, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में भी बताएं, और हमारे पुराने वीडियो जो आप देख रहे हैं वो आपको कितना लाभ पहुंचा रहा है वो भी हमें बताएं। अभिनय से जुड़ा हुआ आपके पास कोई अगर सवाल हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम वहाँ से भी आपके सवाल लेते हैं और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।